गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। सो स्टूडेंट, इन लास्ट क्लास वी स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 11 मेजरमेंट एंड मोशन, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट एंड एंशियंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट लाइक यार्ड, हैंड स्पैन, क्यूबिट, अंशिया। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर आर ड्रॉबैक्स मीन्स कमियां। मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस यूजिंग बॉडी पार्ट्स क्रिएटेड कंफ्यूजन एज द बॉडी पार्ट्स। मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस यूजिंग बॉडी पार्ट्स क्रिएटेड कंफ्यूजन एज द बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑल द पीपल वे आर नॉट ऑफ द सेम साइज। देखिए, जब हम किसी लेंथ या डिस्टेंस की बॉडी पार्ट के द्वारा मेजरिंग करते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमारे सभी बॉडी पार्ट्स पीपल वर नॉट एट द सेम साइज, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सभी के बॉडी पार्ट्स एक जैसे समान नहीं होते। इट क्रिएटेड द नीड फॉर अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत है। इन मॉडर्न मेजरिंग सिस्टम मेजरिंग टूल्स कॉन्सिस्ट ऑफ यूनिट बेस्ड ऑन मेजरिंग स्टैंडर्ड। इसके लिए मॉडर्न मेजरिंग सिस्टम मेजरिंग टूल्स मीन्स मापन के औजार कॉन्सिस्ट ऑफ यूनिट बेस्ड उनके यूनिट के आधार पर ऑन मेजरिंग मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स एग्रीड अपॉन बाय द यूजर्स ऑफ द सिस्टम। जिन इस सिस्टम के द्वारा बहुत सारे यूजर्स को तैयार भी हुआ, एग्री भी हो गए इस सिस्टम का यूज करने के लिए। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर द सेक ऑफ अनफॉर्मिटी इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज डेवलप देयर ऑन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। देखिए, हमारी कंट्री के अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट ने अपने अपने प्रकार से मेजरमेंट के सिस्टम्स को डेवलप किया, बट दे वर अगेन नॉट सिमिलर, लेकिन वो एक दूसरे के समान नहीं थे। द मेट्रिक सिस्टम वाज द फर्स्ट स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले जो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड आया था वो मेट्रिक सिस्टम था, जिसके द्वारा हम किसी भी मेजरमेंट को यूनिट को नाप सकते थे। दिस वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय द फ्रांस इन 1791, जिसे सबसे पहले 1791 में फ्रांस के द्वारा ग्रहण किया गया। ओवर द सेंचुरीज मेनी वेरियंट्स टू दिस सिस्टम वर अडॉप्टेड बाय डिफरेंट नेशंस, और अलग अलग राष्ट्र के द्वारा अलग अलग सिस्टम्स को डेवलप किया गया, अडॉप्ट किया गया। इन 1960 एसआर सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वाज एडोप्टेड एज द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन द फ्रांस। फ्रांस में मेजरमेंट के लिए एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट का आविष्कार किया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का आविष्कार किया गया 1960 में। इस द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, जिसके लिए सामान्य तौर पर वेट और मेजर का यूज किया, यूनिट के लिए किया गया। द एसआई सिस्टम इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द ओल्ड मेट्रिक सिस्टम नाउ एक्सेप्टेड एंड यूज्ड वर्ल्ड वाइड। और जो एसआई सिस्टम था बहुत मॉडर्न सिस्टम था, ओल्ड मेट्रिक सिस्टम, एंड इज नाउ एक्सेप्टेड एंड यूज्ड, और इसे ही एक्सेप्ट किया गया और इसे पूरी दुनिया आज एक्सेप्ट यूज कर रही है। कन्वर्जन ऑफ एम के एस यूनिट्स ऑफ टू एफ पी एस यूनिट्स। अब एम के एस मीन्स क्या होता है? फर्स्ट इज 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। सबसे पहले क्या यूज किया गया? 2.54 सेंटीमीटर के लिए 1 इंच का यूज किया गया, 1 मीटर के लिए 39 इंच का, 1 फीट के लिए 12 इंच, 1600 मीटर के लिए 1 माइल, 3 ग्राम के लिए 1 आउंस, 1 केजी के लिए 2.25 पाउंड, 1 लीटर के लिए 1.75 पिंड, एंड 4.5 लीटर के लिए 1 गैलन। सो स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टैंड? एज पर द एसआई सिस्टम स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ बेसिक क्वांटिटीज आर। उसी प्रकार एसआई सिस्टम स्टैंडर्ड यूनिट के अनुसार, एसआई का फुल फॉर्म होता है एसआई सिस्टम इज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट के लिए उनके क्वांटिटीज के आधार पर क्या क्या किया गया मेजरमेंट। लेंथ के लिए मीटर का यूज किया गया, एम बोलते हैं इसे, मास के लिए किलोग्राम जिसे केजी से 100 करते हैं, टाइम सेकेंड को सेकेंड में डिवाइड करते इसे ऐसे 100 करते हैं, टेम्परेचर केल्विन जिसे के से 100 करते। ओके, इन मेनी कंट्रीज द ओल्डर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट और स्टिल इन यूज। अधिकतर कंट्री में जो पुराने ओल्डर सिस्टम है मापन के, वो अभी तक यूज किए जा रहे हैं। एम के सिस्टम एंड एफ पी ए सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, जिनके एग्जाम्पल है एम के सिस्टम और एफ पी ए सिस्टम। दिस द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन एम के सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम। देखिए, जो एम के सिस्टम होता है
वो मैट्रिक सिस्टम होता है मेजरमेंट का, इट इज़ द पॉपुलरली नॉन एज द सेम इन एसआई सिस्टम, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जिसे हम एसआई सिस्टम, जैसे एसआई सिस्टम में सेम उसी प्रकार है। ऑन द अदर हैंड इन एफपीएस सिस्टम फूट पाउंड एंड सेकेंड, एफपीएस का फॉर्म होता है फूट पाउंड एंड सेकेंड आर द यूनिट्स ऑफ मेजर लेंथ मास एंड टाइम रिस्पेक्टली। और जो एफपीएस का यूज होता है, वो सिस्टम का यूज होता है, वो फुट नापने के लिए यूज होता है, पाउंड एंड सेकेंड नापने के लिए, सेकेंड को मेजर करने के लिए इनका यूज होता है, जैसे लेंथ मास एंड टाइम में यूज होता है। अंडर द एसआई सिस्टम लेंथ और डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, जो एसआई सिस्टम था उसके अनुसार जो लेंथ और डिस्टेंस थी उसे हम मीटर में मेजर करते थे। ऑल थॉट मीटर इज अप्रोप्रिएट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ क्लोथ, उसी प्रकार जो मीटर होता है उसे हम लेंथ, कपड़े की लेंथ नापने में यूज करते हैं। अ रूम, एनी फर्नीचर, एरिया एटसेट्रा, इन सब चीजों को हम मीटर में यूज। इट वॉन्ट बी कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन मीटर्स, और इसके अलावा जो दो सिटीज होती वो भी डिस्टेंस के द्वारा, इन मीटर के द्वारा ही नाप सकते थे, एक्सप्रेस कर सकते थे। सिमिलरली कैन बी एक्सप्रेस द विड्थ ऑफ एन इरेजर अप्रोप्रिएटली इन मीटर। नो, देखिए हम क्या कह सकते हैं कि जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो मीटर में नाप सकते हैं क्या हम? नो, बिकॉज वन मेजरमेंट इज वेरी लार्ज, थाउजेंड ऑफ मीटर, एंड द अदर इज वेरी स्मॉल, वन अपॉन वन थाउजेंड ऑफ मीटर। Therefore, टू मेजर स्मॉलर ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस, किसी भी दो स्मॉलर ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस के बीच को स्मॉलर यूनिट्स इन मैट्रिक सिस्टम सच इज मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स जिसे सी एम से डिनोट करते हैं, डेसीमीटर डी एम से दर्शाते हैं, आर यूज, तो इनके लिए सब चीजों के लिए अलग अलग के लिए अलग अलग चीजों का यूज, मेजरमेंट का यूज किया गया। जैसे सबसे छोटी चीजों के लिए मिलीमीटर, उससे बड़ी सेंटीमीटर, डेसीमीटर। फॉर मेजरिंग लॉन्गर डिस्टेंस किलोमीटर इज यूज, और लॉन्ग दूरी के लिए, लंबी दूरी के लिए किलोमीटर का यूज किया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज टेकिंग मेजरमेंट, अब मेजरमेंट किस प्रकार लेते हैं? इन दिस प्रीवियस एक्टिविटी यू मेजर द लेंथ ऑफ अ बेड यूजिंग अ स्ट्रिंग, आपने प्रीवियस एक्टिविटी में देखा होगा कि आपने एक बेड की लेंथ किस प्रकार, स्ट्रिंग किस प्रकार निकाली थी। नाउ यूज अ स्टैंडर्ड यूनिट, तो अब हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करेंगे। रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, इसके लिए हम क्या लेंगे? लेंथ पेंसिल लेंगे, एक रूलर लेंगे, स्केल लेंगे। इफ यू मेजर करेक्टली ऑब्जर्वेशन विल ऑलवेज बी द सेम इरिस्पेक्टिव टू द पर्सन टेकिंग द मेजरमेंट, अब आपको ये सब स्केल के द्वारा नाप कर मेजर करना है कि जो जो व्यक्ति ने पहले हाथ से मेजर लिया था, जिसके द्वारा हमने स्केल से मेजरमेंट लिया है, क्या वो दोनों बराबर है? टू गेट करेक्ट मेजरमेंट इट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी टू मेजर द ऑब्जेक्ट करेक्टली, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बराबर से किसी भी ऑब्जेक्ट का हम करेक्टली से मेजरमेंट लें। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस टू गेट एक्यूरेट मेजरमेंट, और आपको क्या प्रिकॉशंस रखना है जब आपको एक एक्यूरेट मेजरमेंट निकालना है? इफ यू आर यूजिंग अ रूलर फॉर मेजरमेंट, यदि आप मेजरमेंट के लिए स्केल का यूज कर रहे हैं, इट शुड हैव स्मूथ एजेस विद नो मिसिंग मार्किंग, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? वो स्केल स्मूथ होनी चाहिए, एजेस कोने बराबर स्मूथ होने चाहिए, विथ नो मिसिंग मार्किंग, और उसमें मार्किंग की जगह नहीं छूटी होनी चाहिए। इट शुड बी केप्ड स्ट्रेट, और हमेशा रूलर को स्ट्रेट रखना चाहिए। अलोंग द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर, जिसके द्वारा हमें उस किरणों की या किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर निकालना, उसके कोने पर उसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए। Sometimes due to continuous use the end of the scale get worn out, कहीं कहीं बार ऐसा होता है जब हम continuous scale का use करते हैं तो जो scale होती है वो कैसी होती है? worn out हो जाती है, which many result in the omissions of zero or integral point, तो हमें क्या होता है अधिकतर बार हमें देखिए कई बार ऐसा होता है जो हमारी स्केल रहती है घुसी हुई रहती है बीच में result in the omission, तो हमें result लेने में भी बहुत चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, of zero or integral। इंटीरियल मीन्स होता है प्रारंभिक नंबर, जो प्रारंभ जीरो या प्रारंभिक पॉइंट होता है वो हमें अच्छे से दिख नहीं पाता है। सच स्केल शुड बी अवॉइडेड और यूज फ्रॉम एनी अदर फुल मार्क फॉर द फाइनल रीडिंग, इसके लिए हमें उस प्रकार के स्केल का यूज नहीं करना चाहिए और उनकी जगह दूसरी बिल्कुल स्ट्रेट स्केल लेना चाहिए जिसमें हम फुल मार्क कर सकें, फाइनल रीडिंग निकाल सकें। देट विल गिव यू द एक्चुअल रीडिंग, जिसके द्वारा हमें एक एक्चुअल रीडिंग प्राप्त होगी। रीडिंग शुड ऑलवेज बी टेकन बाय कीपिंग द आईज स्ट्रेट एंड नॉट फ्रॉम अ साइड,
और रीडिंग लेते समय आपकी आंखें का जो स्ट्रेट रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आइट साइड नहीं देखना चाहिए। इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल टू कीप वन आई शट वाइल टेकिंग रीडिंग। और ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप ले रहे हो किसी भी चीज का मेजरमेंट, तो आपको बिल्कुल आंखें एडवाइजर एक ही जगह रखनी चाहिए, कीप वन आई शट रखना चाहिए वाइल टेकिंग रीडिंग, जब आप रीडिंग ले रहे हो। ओके, सम रूल्स फॉर राइटिंग सिम्बॉल्स फॉर यूनिट। और जब हम कभी यूनिट्स के सिम्बॉल लिख रहे हो तो हमें किस प्रकार के रूल्स फॉलो करना चाहिए। सिम्बॉल्स फॉर यूनिट्स आर यूजली रिटन इन स्मॉलर लेटर्स। जब भी हम किसी भी चीज की यूनिट्स लिख रहे हो तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहिए। सिम्बॉल इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, और हमेशा उन्हें सिंगुलर फॉर्म में लिखना चाहिए, कभी यह KGS, MKS या LS नहीं लिखना चाहिए। सिम्बॉल फॉर अ यूनिट इज नॉट टू बी फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप अनलेस इट लाइज एट द एंड ऑफ सेंटेंस। और सिम्बॉल के आखिरी में कभी भी फुल स्टॉप को नहीं लगाना चाहिए अनलेस इट लाइज एट द एंड ऑफ सेंटेंस, वो तब लगाया जाता है जब कोई सेंटेंस खत्म होता है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।